Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। गजल, तुम्हें भी डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है और उसके बाद तुम हमारे घर पे आराम कर लेना। नहीं नहीं दुआ, मुझे अपने घर जाना है अभी। अब खुदा करे मेरा घर सही सलामत हो। पता नहीं यहाँ से रिक्शा मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन अब मुझे अभी वहां पर फौरन पहुंचना होगा। तुम कैसी बातें कर रही हो? जान है तो जहान है, और फिलहाल आप तीनों को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। तुम फालतू बातें मत करो, चलो। नहीं नहीं दुआ, तुम समझ नहीं रही हो। वो मेरे लिए सिर्फ मकान नहीं है, वो मेरे अब्बू की आखिरी निशानी। मुझे अपने घर जाना ही होगा, मेरा घर मेरे लिए सब कुछ है दुआ। पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं मेरे घर का क्या हाल होगा। मुझे फौरन वहां पर पहुंचना होगा। सब वो करीम चौक का कोई आइडिया है आपको? तो आप करीम चौक में रहती हैं? जी। तो कर मनाइए कि आप वहां नहीं थी। एक भी पुराना घर बचा नहीं है, पूरा का पूरा मोहल्ला कब्रिस्तान बन गया है। नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरा घर तबाह नहीं हो सकता, वो मेरे अब्बू का घर है। मुझे फौरन वहां जाना होगा। सर, आप प्लीज आप अपनी गाड़ी में मुझे छोड़ दीजिए ना, मुझे मेरे घर जाना है प्लीज। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहे लोग क्या कह रहे हैं? वो जगह जाने लायक नहीं है और तुम चलने की हालत में हो क्या? प्लीज हर बात में जिद मत किया करो। एक मिनट है इधर। गजल, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। मैं रवि भाई और किसी स्टाफ को तुम्हारा घर देखने के लिए भेज दूंगी। फिक्र मत करो, तुम्हारे घर को कुछ नहीं हुआ होगा। तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। दुआ, मुझे कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे बस अपने घर जाना है। तुम शायद फील नहीं कर पा रही हो जो मैं फील कर पा रही हूँ। दुआ, उस घर में मेरे अब्बू की यादें बसती है। तुम लोग तो अपनी फैमिली के पास चले जाओगे ना, लेकिन मैं, मेरे लिए तो वो घर ही मेरी फैमिली है दुआ। और फैमिली से बढ़कर तो कुछ नहीं होता ना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।